नमस्कार दोस्तों, गैन टीवी के एक और एपिसोड में स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जिसने किया था इंसानियत को शर्मसार। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान अपने शौर्य के लिए इस हद तक गिर गया था, जिसके बारे में मुझे इस एपिसोड में बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 90s की, जब अफ्रीका बुरी तरह से दरिद्रता अर्थात गरीबी से जूझ रहा था। लोग भूख के कारण मर रहे थे। बात है 1993 की, जब अफ्रीका के एक देश सूडान गरीबी की अपार समस्या से गुजर रहा था। बच्चे भूख के कारण तड़प रहे थे। पूरे दुनिया से मदद भेजा जा रहा था। अलग अलग देश के रिपोर्टर अफ्रीका सूडान में जाकर सच्ची तस्वीरें लोगों के सामने ला रहे थे। इसी बीच अफ्रीका के एक फोटोग्राफर सूडान आया और वह सूडान देश के कई फोटो शूट किया। इस बीच इस फोटोग्राफर ने एक बच्ची का फोटो शूट किया, जिस फोटो ने 1994 में फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार जीता था। तो जिस फोटो ने फीचर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का किताब जीता था, इस फोटो ने इंसानियत को किस तरह से शर्मसार किया था, आइए जानते हैं। दोस्तों वह फोटोग्राफर ने जिस फोटो को शूट किया था 1993 में, उस फोटो में एक बच्ची भूख प्यास के वजह से जमीन पर बेहोश हालात में पड़ा हुआ था और ठीक उस बच्ची के पीछे एक गिद्ध बैठ कर इस बच्ची की मरने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह गिद्ध अपना भूख मिटा सके। दोस्तों ये फोटोग्राफर फोटो शूट करने के बाद अपने देश अमेरिका वापस आ गया, जिसके बाद उसने इस फोटो के वजह से वेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था। तब एक रिपोर्टर ने इस फोटोग्राफर से एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब इसके पास नहीं था, और इसके 4 महीने बाद इस फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर लिया था। दोस्तों वह सवाल था, जब तुमने ये फोटो लिया था उसके बाद तुमने उस बच्ची को खाना या पानी पिलाया था? इसका जवाब था नहीं। तब उस रिपोर्टर ने कहा था, जब तुमने इस फोटो को लिया था तब एक नहीं वहाँ 2 गिद्ध था, एक कैमरे के आगे और एक कैमरे के पीछे। इसके बाद इस फोटोग्राफर को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। इसके 4 महीने बाद वह शर्म के वजह से आत्महत्या कर लिया था। उस फोटोग्राफर का नाम था केविन कार्टर। दोस्तों ये था वह घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था, और अब हम सभी दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ऐसा ही कर रहे हैं। दोस्तों जहाँ कहीं भी जरूरतमंद लोग दिखे मदद जरूर करें।